नमस्कार जी। मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी, मध्य प्रदेश के विधायकगण, अन्य महानुभाव और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। कुछ ही दिन में नववर्ष विक्रम संवत 2079 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश, ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को सशक्त करने में जुटी है। आज का ये कार्यक्रम इसी अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। मध्य प्रदेश के दूर सुदूर गांवों में, हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इन 5.25 लाख घरों के लिए बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, गरीब को अपना पक्का घर देने का यह अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की,
गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। वहीं हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांवों में बनाए गए हैं। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आई अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया। मध्य प्रदेश में भी लगभग 30.5 लाख स्वीकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ बैगा, सहरिया और भरिया ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकारें जहां भी हो उनकी विशेषता यही है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है। गरीब के हित, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है। पीएम आवास योजना में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि गरीबों को जो घर मिले वो उनके जीवन की बाकी जरूरतों को पूरा करने वाले भी बने। जैसे इस आवास में शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन है, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब होता है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलता है और हर घर जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन भी साथ आता है। यानी गरीब लाभार्थी को इन सुविधाओं के लिए अलग से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत अब नहीं पड़ती। गरीब की सेवा की यही सोच है जो हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का के काम आ रही है। साथियों, भारत शक्ति की उपासना करने वाला देश है। कुछ ही दिन में नवरात्रि शुरू होने जा रही है। हमारी देवियां दुश्मनों का संहार करने वाली हैं, अस्त्र शस्त्रों की उपासक रही हैं। हमारी देवियां ज्ञान, कला, संस्कृति की प्रेरणा है। 21वीं सदी का भारत उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए खुद को भी और अपनी नारी शक्ति को भी सशक्त करने में जुटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी अभियान का एक अहम हिस्सा है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं
उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। ये अपने आप में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए एक अध्ययन का विषय है, केस स्टडी का विषय है, जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी द्वारा भी जरूर किया जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। बीते 2.5 साल में इस योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है। योजना के शुरू होने के समय मध्य प्रदेश में 13 लाख ग्रामीण परिवारों के घर में पाइप से पानी आता था। आज 50 लाख परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाने के पड़ाव के हम बहुत ही निकट है। हम मध्य प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश समेत देश के उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घर बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अभी भी कुछ लोगों तक पक्का घर नहीं मिला है, मुझे इसका पूरा पता है। और मैं आपको कहने आया हूं, इस वर्ष के बजट में पूरे देश में 80 लाख से अधिक घर बनाने के लिए पैसे आवंटन करने का राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के भी लाखों परिवारों को लाभ होना आता है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसे गांवों में खर्च हुए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे ताकत दी है। जब एक घर बनता है तो ईंट, बालू, सरिया, सीमेंट, घर बनाने वाले श्रमिक, सब कुछ स्थानीय ही तो होता है। इसलिए पीएम आवास योजना गांवों में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। साथियों, हमारे देश ने आजादी के बाद दशकों तक बहुत सी सरकारें देखी हैं, लेकिन पहली बार देश के लोग ऐसी सरकार देख रहे हैं जो सरकार उनके सुख दुख में उनके साथी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट में भाजपा सरकार ने फिर साबित किया है कि गरीबों के लिए ये सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ काम करती है। गरीबों को मुफ्त वैक्सीनेशन हो या फिर गरीबों को मुफ्त राशन, और अभी शिवराज जी ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया कि अभी 2 दिन पहले ही हम सब ने मिलकर के तय किया कि आने वाले 6 महीने तक
ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। पहले कोरोना के कारण दुनिया मुसीबत में फंस गई, अब आज पूरी दुनिया लड़ाई के मैदान में उतरी हुई है, उसके कारण भी अनेक प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं पर नया संकट पैदा होता जा रहा है। भारत के नागरिकों पर बोझ कम से कम कैसे हो, जितना हो सके उतना देश के नागरिकों को मदद पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। भाइयों और बहनों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी में हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीने में इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। जो पहले की जनता की कमाई को लूट लेते थे, वो जनता की कमाई से अपनी तिजोरी भर लेते थे, वो आज भी इस योजना के लिए कुछ न कुछ हल्का फुल्का मजाक उड़ाना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये करते ही रहते हैं। मैं आज देश को एक जानकारी देना चाहता हूं, आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जब इन लोगों की सरकार थी तो इन्होंने गरीबों के राशन को लूटने के लिए अपने 4 करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, 4 करोड़ फर्जी ऐसे ही जो नाम पैदा ही नहीं हुए, जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नाम 4 करोड़ कागजों में तैनात कर दिए थे। इन 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था, बाजार में पिछले रास्ते से बेचा जाता था और उसके पैसे इन लोगों के काले कारनामे, काले खातों में पहुंच जाते थे। 2014 में सरकार में आने के बाद से ही हमारी सरकार ने इन फर्जी नामों को खोजना शुरू किया और इन्हें राशन की लिस्ट से हटाया ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। आप सोचिए, पहले के समय में ये गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर कितने हजारों करोड़ रुपए हर महीने लूट रहे थे। हमने राशन की दुकानों में आधुनिक मशीनें लगाकर ये भी सुनिश्चित किया कि राशन की चोरी ना हो पाए। आप सबको पता होगा, ये जो मशीन लगाना का हमने अभियान चलाया ना, उसकी भी इन लोगों ने मजाक उड़ाई थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मशीन आएगा, लोग अंगूठे की छाप लगाएंगे तो सच का सच चलेगा, और इसको रोकने के लिए ऐसी ऐसी हवाएं चलाई, यहां तक कह दिया कि राशन लेने जाएंगे और अंगूठा लगाएंगे तो कोरोना लग जाएगा। ऐसे ऐसे झूठ फैलाए। हमारी सरकार ने इन सब का फर्जी खेल बंद करा दिया, इसलिए लोग तिलमिलाए हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर राशन की दुकानों में पारदर्शिता नहीं आती, ये 4 करोड़ फर्जी नाम नहीं हटाए गए होते, तो कोरोना के संकट में गरीबों का क्या हाल होता। गरीबों के लिए समर्पित भाजपा की सरकार दिन रात गरीबों के लिए काम करती है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है कि आजादी के अमृत काल में हम मूल सुविधाओं को हर लाभार्थी तक तेजी से पहुंचा सके। ऐसे ही काम के बल पर हम योजनाओं के सैचुरेशन यानी हर योजना के
शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाने के संकल्प पर काम कर रहे हैं। गांव में जिस योजना का जो लाभार्थी होगा, हितधारक होगा, उसको उसका हक उसके घर तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम लगे हुए हैं। सैचुरेशन के इस लक्ष्य का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई गरीब योजनाओं के लाभ से छूटेगा नहीं, सरकार सब तक पहुंचेगी। इससे भेदभाव की संभावना नहीं बचेगी, भ्रष्टाचार की संभावना नहीं बचेगी। आज समाज में आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी लाभ देने की नीति हो, नियत हो, तो सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा। साथियों, गांवों की भूमिका का भी हम लगातार विस्तार कर रहे हैं। लंबे समय तक गांव की अर्थव्यवस्था को सिर्फ खेती तक ही सीमित करके देखा गया। हम खेती को, किसान को, पशुपालक को ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक खेती जैसी पुरातन व्यवस्था की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही गांव की दूसरी क्षमताओं को भी निखार रहे हैं। लंबे समय तक गांव के घरों और गांव की जमीन पर आर्थिक गतिविधियां बहुत सीमित रही है, क्योंकि गांव की संपत्ति का रिकॉर्ड उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं था। इसलिए गांव में कारोबार करने में, उद्योग उद्यम लगाने में, बैंक से लोन लेने में बहुत मुश्किल होती थी। अब स्वामित्व योजना के तहत गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में सर्वे किया जा रहा है। लगभग 3,00,000 ग्रामीणों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे भी जा चुके हैं। ऐसे प्रावधानों से जमीन और घर के जुड़े विवादों में कमी आएगी और जरूरत पड़ने पर, जैसा मैंने कहा, बैंकों से मदद लेना सरल हो। साथियों, मैं आज शिवराज जी की सरकार को एक और काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। अनाज की सरकारी खरीद में एमपी ने गजब काम किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है, देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। एमपी में किसानों के बैंक खाते में आज पहले के मुकाबले ज्यादा राशि दी जा रही है। सरकारी खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि भी छोटे किसानों की बहुत मदद कर रही है। एमपी के करीब करीब 90,00,000 छोटे किसानों को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए दी गई है। साथियों, इस समय देश अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत मां के लाखों वीर सपूतों और वीर बेटियों ने अपने जीवन, अपनी सुख सुविधा की आहुति दे दी थी। उस आहुति ने हमें आज का स्वतंत्र जीवन दिया है। इस अमृत महोत्सव में हमें भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाएंगे। इस कालखंड में हमारे द्वारा किए गए कार्य भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने, उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाए, यह बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हम सब मिलकर एक काम जरूर कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश में लाखों परिवारों से मैं बात कर रहा हूं, इतनी संख्या में लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक संकल्प के लिए जरूर कहूंगा। हम संकल्प करें कि इस वर्ष जब यह नया वर्ष शुरू होगा 2-4 दिन के बाद, इस वर्ष ये जो वर्ष प्रतिपदा है वहां से लागर के अगली वर्ष प्रतिपदा तक
यानी हमारे पास 12 महीने हैं, 365 दिन है। हम संकल्प करें हर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। और मैं तो चाहूंगा संभव हो तो हर जिले में ये अमृत सरोवर नए हो, बड़े हो। इनके निर्माण में सरकार की तरफ से जो मनरेगा का पैसा आता है उसकी भी मदद ली जा सकती है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसका बहुत लाभ हमारी धरती माता को मिलेगा। ये हमारी धरती मां प्यासी है। हमने इतना पानी खींच लिया है, इतना पानी खींच लिया है, ये धरती मां की प्यास बुझाना इस धरती मां के संतान के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है। और इसके कारण प्रकृति के प्राणों में भी एक नई ऊर्जा आ जाएगी, नई चेतना आ जाएगी। इससे छोटे किसानों को लाभ होगा, महिलाओं को लाभ होगा, इतना ही नहीं ये तो जीवदया का काम होगा, पशु पक्षियों को भी बहुत मददगार होगा। यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण मानवता का बहुत बड़ा काम है जिसे हमें जरूर करना चाहिए। मैं सभी राज्य सरकारों से, स्थानीय निकायों से, पंचायतों से इस दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। साथियों, ये भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण का काल है। भारत का उज्जवल भविष्य तभी संभव है जब गरीब परिवार का भविष्य बेहतर होगा। ये नया घर आपके परिवार को नई दिशा दे, आपको नए लक्ष्य की तरफ बढ़ने का सामर्थ्य दे, आपके बच्चों में शिक्षा, कौशल और आत्मविश्वास का संचार करे। इसी कामना के साथ आपको, सभी लाभार्थियों को इस नए घर गृह प्रवेश के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।